के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। चुनावों का महाकुंभ शुरू होने वाला है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करके जीत की ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में हम आज उस राजनीतिक दल की बात करने वाले हैं जिसका दबदबा इस समय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की। कैसे भाजपा के उदय के साथ देश का राजनीतिक परिदृश्य बदलता चला गया और कब, कैसे और क्यों बीजेपी भारतीय राजनीति में इतनी ताकतवर हो गई। बीजेपी दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कैसे अलग है, इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास खंगालने की जरूरत है। आजादी के करीब 4 दशक बाद तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा, लेकिन समय के बाद बड़ा परिवर्तन आया और धीरे धीरे बीजेपी ने देश की राजनीति में अपने पांव जमाने शुरू किए। 1980 वही साल था जब भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व में आई थी, यानी कि 1984 में बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमें उसे सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। बीजेपी के लिए आगे का सफर आसान नहीं था, लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को आगे रखकर ये पार्टी जनता के बीच गई और 1989 के लोकसभा चुनावों में 85 और 1991 में 120 और 1996 में 161 सीटें जीतकर बीजेपी ने बता दिया था कि उसकी राजनीति सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी ये पार्टी कितनी गंभीर है। साल 1998 में बीजेपी ने 182 सीटें जीतकर देश में सरकार बनाई और 1999 में आम चुनावों में एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में एनडीए की सरकार बनी। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय राजनीति में आए इस बड़े बदलाव का जनक कहा जाता है। साल 2004 से लेकर साल 2014 तक बीजेपी देश की सत्ता से बाहर रही, लेकिन यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने खुद को मजबूत विपक्ष के तौर पर पेश किया और देश में हो रहे भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, आतंकवाद और तुष्टिकरण जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दों को जनता के सामने उठाया। यही कारण था कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए लोकसभा चुनाव का नतीजा भारतीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और बीजेपी 282 सीटें जीतकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आई। 2019 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 303 तक पहुंच गई और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया, संगठन को मजबूत पकड़ और प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से खुद को सीधे जोड़कर नई राजनीतिक मिसाल पेश की। 2014 से मोदी भारतीय राजनीति को अपने सांचे में ढालने में सफल हुए हैं। बीजेपी कम से कम 2 मायने में दूसरे राजनीतिक दलों से कहीं अलग और बेहतर नजर आती है, पहला हिंदुत्व और दूसरा मजबूत विदेश नीति। 2014 के बाद धर्मनिरपेक्ष दलों की मांग कम होती जा रही है, उन पर अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने और उन्हें वोट बैंक समझाने के आरोप लगते हैं। इधर बीजेपी को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि वह मुख्य रूप से देश और देश से बाहर रहने वाले हिंदुओं के हितों की रक्षा और अधिकारों के लिए हमेशा एक्टिव रहती है। ये किसी से छिपा नहीं है कि 2014 के बाद से विश्व पलट पर भी भारत की छवि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुई। कारण और भी हैं, कई हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी के उदय होने से देश का राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।